नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंडवाल। सबसे बड़ी खबर इस वक्त पंजाब से है, क्योंकि कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह पंजाब में चल रही है, दिल्ली में उसे लेकर आज हलचल तेज रही। आज सुबह सिद्धू और प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई, इसके बाद प्रियंका, सोनिया और राहुल के बीच मुलाकातों का दौर जारी है। कैप्टन अमरिंदर दो बार दिल्ली आए, लेकिन दोनों बार बैरंग लौटना पड़ा। न राहुल से मुलाकात हुई, न प्रियंका या सोनिया से। वहीं उनके विरोधी सिद्धू की दूसरी मुलाकात रंग लाई। आज सुबह सुबह प्रियंका गांधी से मुलाकात की और विजेता की तरह सोशल मीडिया पर मुलाकात की तस्वीर भी चिपका दी, इस संदेश के साथ कि आज प्रियंका गांधी से लंबी चर्चा हुई। उधर प्रियंका गांधी सिद्धू से मुलाकात के पहले राहुल के घर पहुंची। लौटकर अपने आवास पर उन्होंने सिद्धू से लंबी मुलाकात की और फिर प्रियंका इस मुलाकात के बाद मां सोनिया के घर पहुंची। हालांकि सिद्धू की ये मुलाकात बेहद अचानक हुई। कल से दिल्ली में डेरा जमाए बैठे सिद्धू बार बार गांधी परिवार से वक्त मांग रहे थे, लेकिन हालात देखकर ऐसा लग रहा था कि उनका अंजाम भी कैप्टन जैसा ही होगा। सर, मीटिंग है क्या सिद्धू के साथ? मीटिंग है कल टुमारो सर, टुमारो नहीं मीट, सर कल है क्या? लेकिन आखिरकार सिद्धू आलाकमान का पलड़ा अपनी तरफ झुकाने में कामयाब रहे। पंजाब में कैप्टन के साथ छिड़ी उनकी वर्चस्व की जंग में ये मुलाकात कई इशारे कर रही है। सिद्धू और कैप्टन का यही झगड़ा दिल्ली तक आ गया था। कमेटी बनी, दोनों पक्षों की सुनवाई हुई, लेकिन बात अब तक नहीं बनी। दरअसल सिद्धू पंजाब में बड़ी भूमिका चाहते हैं, लेकिन कैप्टन को ये मंजूर नहीं। वो अपनी लॉबी चाहते हैं, लेकिन कैप्टन एक छत्र राज करना चाहते हैं। सिद्धू अपने समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते हैं, इससे कैप्टन को खतरा महसूस हो रहा है। सिद्धू को आलाकमान से नजदीकी को लेकर भरोसा है, तो कैप्टन खुद के दम पर काम करने में यकीन करते हैं। पंजाब कांग्रेस में मची इस जंग को लेकर कांग्रेस के नेता तो खामोश हैं, लेकिन अकाली दल झगड़े का भरपूर लुत्फ उठा रहा है। जोत सिंह सिद्धू एक मिसगाइडेड मसाइल है, जिहदा कोई कंट्रोल नहीं है। कितने मर्जी डायरेक्शन हो सकती है, कितने मर्जी वज सकती है, अपने ते ही वज सकती है। तुसीं इक गल दसो, अज तक जे तुसीं उहदा 20-25 साल का इतिहास देखो, किसे नाल नहीं बनी उहदी। जे क्रिकेट सी, क्रिकेट च भी लड़ के भज के आया सी, बीजेपी च आया सी, जिहनूं अपना माई बाप कहिंदा सी उहनां नूं चोर कहन लग गया, फिर कांग्रेस चले गया। पंजाब में चुनाव सिर पर है। कांग्रेस आलाकमान के सामने चुनौती अपने गिने चुने गढ़ बचाने की है, लेकिन चहितों की चाहत का ख्याल रखने की भी मजबूरी है। दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाना है, फिलहाल गांधी परिवार इसी उहापोह में होगा। दिल्ली में मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी के पुराने सहयोगी ओम प्रकाश राजभर इस बार विधानसभा चुनावों में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। राजभर और उनके सहयोगी ओवैसी ने यूपी में सत्ता का जो फॉर्मूला तय किया है वो बेहद दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश में अगली सरकार किसकी होगी, कैसी होगी, ये तय होने में अभी वक्त है। सभी पार्टियां अपने अपने वादों और दावों का पिटारा सजा रही हैं, लेकिन एक वादा ऐसा है जो सबसे अलग है। ये वादा है सुहेल देव पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर और उनके नए पार्टनर ओवैसी का। दोनों का दावा है कि सरकार बनी तो 5 साल में 5 CM बनेंगे, वो भी धर्म और जाति के हिसाब से। पहले मुसलमान, फिर राजभर, इसके बाद चौहान, फिर कुशवाहा और आखिरी साल पटेल समाज का नेता CM बनाया जाएगा। इसके अलावा हर साल 4 नए डिप्टी CM बनाने की भी तैयारी है। भागीदारी संकल्प मोर्चा का स्पष्ट है कि चुनाव के बाद सरकार बनती है हम लोगों की, तो जब 22 में सरकार बनेगी तो चुनाव में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, एक मुसलमान एक साल राजभर, एक साल चौहान, एक साल कुशवाहा, एक साल पटेल, हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री। आज भी CM बनने के लिए बेचारे कुशवाहा समाज के लोग एकदम ताक रहे हैं कि कब मिलेगा। तो इसी नाते हमने कहा कि क्यों ताका जाए, क्यों न बनाने के लिए, हम जब वोटवे से बनना है तो हम सब लोग अपना वोट बना करके एक एक साल खुद बना लिया जाए, कोई किसी को नहीं ताकेगा। 1 साल में 4 डिप्टी CM, 5 साल में 5 CM और 20 डिप्टी CM देंगे। किसी भी साथी को,
किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मोर्चे में 22 में सरकार बना करके और बहुत सी चीज़ें दी जाएंगी। सभी पार्टियां भाषण चाहे जो कुछ दे, सभी पार्टियां जाति के आधार पर चुनाव लड़ती हैं, जाति आधार पर टिकट बांटती हैं, जाति आधार पर मंत्री बनाती हैं, जाति आधार पर थाने पर पोस्टिंग, जिले पर पोस्टिंग जाति आधार पर हो रही हैं। ये तो सबका चलता है। भागीदारी संकल्प मोर्चा हमने बनाया है जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा, असदुद्दीन ओवैसी, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, कृष्णा पटेल, ओम प्रकाश राजभर, हम 10 लोग मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं और उत्तर प्रदेश की 403 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 300 प्लस जीतेंगे भी और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। ये और बात है कि राजभर और ओवैसी के बीच अभी सीटों के बंटवारे को लेकर पुख्ता समझौता नहीं हुआ है। ऐसी अटकलें हैं कि ओवैसी 100 सीटों पर अड़ गए हैं। बहरहाल सीटों पर जो भी समझौता हो, राजभर के प्लान को बीजेपी मुंगेरीलाल के सपने बता रही है। देखिए, राजनीति में सपने देखने का सबको अधिकार है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी की तरह मुंगेरीलाल के सपने नहीं देखना चाहिए कि जिस तरह से वो कह रहे हैं छोटे छोटे दल मिलाकर, छोटे छोटे दल में असदुद्दीन ओवैसी का भी दल है और उसके साथ सरकार जब वो बनाएंगे तो उनका कहना है 4 मुख्यमंत्री हम बनाएंगे 4-5 साल में और 20 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे हम 5 साल में। तो मतलब कभी असदुद्दीन ओवैसी को बनाएंगे मुख्यमंत्री, कभी वो खुद बनेंगे मुख्यमंत्री, कभी और उनके सहयोगियों को बनाएंगे उप मुख्यमंत्री। तो ये छोटे छोटे दल मिला के जो दलदल उन्होंने बनाया है, तो उत्तर प्रदेश की जनता इस दलदल में फंसने वाली नहीं है। और मैं उनको सलाह दूंगा कि सपने देखिए लेकिन मुंगेरीलाल के सपने मत देखिए। कभी बीजेपी के साथ रहे ओम प्रकाश राजभर इस बार बीजेपी के खिलाफ नया फ्रंट खोलने की कसरत में जुटे हैं। उनके मोर्चे में शामिल होने के लिए मायावती, अखिलेश यादव और सोनिया गांधी को भी खुला न्योता है। शर्त बस इतनी है कि समझौते की सारी शर्तें वो खुद तय करेंगे। लखनऊ से कुमार अभिषेक और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी राजभर और ओवैसी के सत्ता फॉर्मूले पर चुटकी ले रहे हैं। जो एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया गया है, ओम प्रकाश राजभर आपके पहले सहयोगी रहे, अब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और ये कहा है कि 5 साल में 5 मुख्यमंत्री वो बनाएंगे, हर साल 4-4 उप मुख्यमंत्री देंगे। ओवैसी के लिए भी उन्होंने कहा है कि अगर उनकी इस पार्टी की सीट जहां मजबूत होगी 100 या 125 सीटें वो दे देंगे। किस तरीके से देखते हैं सारे स्टेट? देखिए, मैं इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेता। मैं मानता हूं कि हम आपको कह दें कि हम आपको अमेरिका के राष्ट्रपति बना देंगे तो आप मान जाएंगे क्या? ऐसा संभव नहीं होता है। राजनीति में जनता बहुत समझदार है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो भरोसा था वो भरोसा लगातार मजबूत हुआ है, इसलिए हम 2022 में भी 300 से अधिक सीटें जीतेंगे। कोई मोर्चा, कोई पार्टी भाजपा के खिलाफ चुनाव तो लड़ सकती है, लेकिन भाजपा के खिलाफ अभी उनको जनसमर्थन मिलता हुआ कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारे साथ चाहे अनुसूचित वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, सबका साथ सबका विकास जिस प्रकार से हमने, हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने काम किया है, उसी प्रकार से लोगों का समर्थन उसी अनुपात में हमें प्राप्त हो रहा है। सर, इससे जुड़ा ही एक और सवाल है, जैसे मायावती ने मना कर दिया कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, ओम प्रकाश राजभर या उनका मोर्चा चाहता था कि उनके साथ जाएं। चर्चा ये भी चली थी कि बीजेपी भी उनके संपर्क में है कि वो चाहती है कि ओम प्रकाश राजभर को क्यों लें। समाजवादी पार्टी ने कुछ कहा नहीं। तो ऐसे छोटे दल का अगर कोई एक गठबंधन बना है तो क्या 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 आप उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या वो बिखर जाएंगे, क्या वो अपने आप लड़ेंगे या किसी बड़े दल के साथ जाएंगे, या आप लोग भी इनमें से कुछ दलों को अपने साथ ले सकें? देखिए, जो हमारे गठबंधन के साथी के रूप में हैं वो हमारे साथ हैं और उनके बल पर हमने चुनाव जीता है, और कोई ऐसी पार्टी होगी जिसका जनाधार होगा और भाजपा के साथ जुड़ना चाहेगा तो संगठन उस पर विचार करेगा, पार्टी विचार करेगी कि उनको जोड़ लिया जाए कि न जोड़ लिया जाए। लेकिन अभी हमारी जो मतलब पार्टी है जिनके साथ हमारा गठबंधन है उसके बल पर ही हम 300 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं और फिर से 2022 में भाजपा के उत्तर प्रदेश में मजबूत सरकार बनने जा रही है। बात अब बंगाल की। बंगाल में कल दिल्ली से पहुंची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम भीड़ के बीच फंस गई। ये टीम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के आरोपों की जांच कर रही है। कोर्ट के आदेश के तहत प्रभावित इलाकों में घूम घूमकर पीड़ितों के बयान ले रही है, लेकिन कल जादवपुर में एनएचआरसी की इस टीम को उल्टे पैर भागना पड़ गया।
चुनाव बीत गए लेकिन बंगाल की सियासत का चुनावी रंग अभी भी एकदम ताजा और चटक है। ये इन लोगों का हाल है और ये यहाँ की पुलिस का हाल है। सैकड़ों की ये भीड़ दीदी की समर्थक है और इनसे घिरे ये चंद लोग दिल्ली से पहुंची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम है। चुनाव के बाद हिंसा के आरोपों की जांच करने पहुंची ये टीम खुद ही भीड़ के हत्थे चढ़ गई। NHRC की टीम के साथ CISF के जवान भी थे। इनके हाथों में बंदूकें भी थी लेकिन भीड़ को ना तो NHRC से कोई मतलब न CISF के जवानों से। टीम के रास्ते घेर लिए गए, इनके काम में भरपूर अड़ंगा डाला गया और इन्हें इलाके से बाहर भगाने की कोशिश की गई। ये सब हुआ राजधानी कोलकाता से सटे जादवपुर में। आप देख सकते हैं ये इन लोगों का हाल है और ये यहाँ की पुलिस का हाल है। पुलिस यहाँ पर थी लेकिन जिस वक्त इन गुंडों ने मेरे साथ के इस तरीके का व्यवहार शुरू करा तब पुलिस यहाँ से गायब हो गई। पुलिस ने इनको मौका दिया जानकर। टीम की अगुवाई कर रहे NHRC सदस्य आतिफ रशीद ममता समर्थकों की भीड़ के इस रवैये पर कई बार बिफर पड़े। उन्होंने बार बार भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाने की कोशिश की लेकिन लोग कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। NHRC की टीम को घेरने वालों में ज्यादातर महिलाएं थीं। महिलाओं के आगे होने की वजह से CISF की टीम भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। शुरुआत में इनके साथ स्थानीय पुलिस भी थी लेकिन NHRC सदस्यों का कहना है कि जैसे ही धक्का मुक्की और हंगामा शुरू हुआ स्थानीय पुलिस के लोग गायब हो गए और टीम को आखिरकार यहां से निकलना ही पड़ा। 40 से ज्यादा घर ऐसे हैं जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो यहां नहीं रहते। कुछ गुंडों ने हम पर भी अटैक करा, पुलिस पर भी अटैक करा, हमें मारने की कोशिश करी, हमें भगाने की कोशिश करी। ये हाल हमारे साथ है तो एक आम सामान्य आदमी के साथ क्या होगा। पूरी बात है, एक बार देखिए आप इन्हें दिखाइए कैसे मुझे मारने के लिए सामने हो रहे हैं। ये देखिए ये बिल्कुल मुझे मारने के लिए तैयार खड़े हैं। बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद आरोप लगे थे कि BJP कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। आरोपों की जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने मानवाधिकार आयोग के सदस्यों समेत एक कमेटी का गठन किया था। समिति के सदस्य पिछले 3 से 4 दिनों से प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं लेकिन जादवपुर में हिंसा के आरोपों की जाँच कर रही टीम ही हिंसा की शिकार हो गई। BJP इसे ममता सरकार का असली चेहरा करार दे रही है तो TMC हिंसा के आरोपों को ही नकार रही है। इस घटना से बंगाल की अंदर का हालत क्या है ये सबको मालूम हो रहा है। NHRC को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं भेजा, कोर्ट का डायरेक्शन में आया, NHRC को खुद पता चल गया बंगाल की गाँव में किस तरीका से पुलिस और गुंडा तृणमूल का गुंडा एक साथ काम कर रहा है इसको पता उसको चल गया और उस एरिया में NHRC को विटनेस देने के नाते 40 घर का खत्म कर दिया। उनका सबसे पहले नाम है नेशनल, जो नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम, तो जिसका सामने नेशनल है ह्यूमन राइट्स उसको जनता मारेगा क्यों, उसको तो प्यार करेगा बैठाएगा। तो क्या वो लोग ऐसे कुछ काम करते हैं जिसमें जनता को गुस्सा हो जाता है? और बंगाल को जनता अगर मरना है बेइज्जत करना है तो नेशनल ह्यूमन कमीशन के को नहीं करता है, वो करना है तो मारते हैं तो असली के मरते हैं, ये सब झूठा इल्जाम है। बहरहाल इस हंगामे और बवाल के बीच NHRC की टीम ने कई हिंसा प्रभावित इलाकों में जाकर अपनी रिपोर्ट तैयार की है और ये रिपोर्ट आज कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंपी जानी है। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। BJP के कार्यकर्ता गाजीपुर बॉर्डर पर BJP से जुड़े एक नेता का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे लेकिन एकाएक यहां बवाल हो गया। BJP समर्थकों का आरोप है कि किसानों ने हंगामा और पथराव शुरू कर दिया। हालात इतने खराब हो गए कि BJP नेता की गाड़ी को वहां से निकालने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। किसान और BJP समर्थक आपस में भिड़ गए। Oh,
गाजीपुर बॉर्डर पर आज ये तस्वीर दिखाई दी जब अचानक हंगामे की स्थिति बन गई। किसान ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी समर्थकों ने यह हंगामा किया, तो वहीं बीजेपी समर्थकों का कहना है कि किसानों ने अचानक यहाँ पर हाथापाई और धक्का मुक्की शुरू कर दी, हालात खराब हो गए, तो बीजेपी नेता की गाड़ी को वहाँ से निकालने में पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। आप देखते रहिए आज तक।